राजनीतिज्ञों के लिए हम नारे और वोट हैं, बाकी के लिए हम गरीब, भूख, महामारी और बेकारी हैं। मुख्यमंत्रियों के लिए हम सिरदर्द हैं और उनकी पुलिस के लिए हम गोली दागने के निशाने हैं। बच्चा, ये कोई अचरज की बात नहीं है। हमारे यहाँ जिसकी पूजा की जाती है उसकी दुर्दशा कर डालते हैं। नारी को भी हमने पूज्य माना और उसकी जैसी दुर्दशा की सो तुम जानते ही हो। अब करना ये चाहिए, रोज विधानसभा के बाहर एक बोर्ड पर आज का बाजार भाव लिखा रहे, साथ ही उन विधायकों की सूची चिपकी रहे जो बिकने को तैयार हैं। इससे खरीदार को भी सुविधा होगी और माल को भी। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, बीमारी पेट के भीतर है, ऊपर मलहम चुपड़ने से दूर नहीं होती। लेकिन गमले में खेती करवा के खाद्य समस्या हल करने वाले नेताओं का ख्याल रहा है कि नाम से ही सब कुछ होता है। सबसे निरर्थक आंदोलन भ्रष्टाचार के विरोध का आंदोलन होता है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से कोई नहीं डरता। एक प्रकार का ये मनोरंजन है जो राजनीतिक पार्टी कभी कभी खेल लेती हैं, जैसे कबड्डी का मैच। विचार जब लुप्त हो जाता है या विचार प्रकट करने में बाधा होती है या किसी के विरोध से भय लगने लगता है, तब तर्क का स्थान हुल्लड़ या गुंडागर्दी ले लेती है। इस देश के आदमी की मानसिकता ऐसी कर दी गई है कि अगर उसका भला भी करो तो उसे शक होता है कि किसी और का भला किया गया है। पुस्तक लिखने वाले से बेचने वाला बड़ा होता है, कथा लिखने वाले से कथावाचक बड़ा होता है, सृष्टि निर्माता से सृष्टि लूटने वाला बड़ा होता है। धार्मिक उन्माद पैदा करना, अंधविश्वास फैलाना, लोगों को अज्ञानी और क्रूर बनाना, राजसत्ता, धर्म सत्ता और पुरुष सत्ता का पुराना हथकंडा है। फासिस्ट संगठन की विशेषता होती है कि दिमाग सिर्फ नेता के पास होता है, बाकी सब कार्यकर्ताओं के पास सिर्फ शरीर होता है। नशे के मामले में हम बहुत ऊंचे हैं। दो नशे खास हैं, हीनता का नशा और उच्चता का नशा, जो बारी बारी से चढ़ते रहते हैं। निंदकों को दंड देने की जरूरत नहीं, खुद ही दंडित हैं। आप चैन से सोइए और वो जलन से सो नहीं पाता। सरकार का विरोध करना भी सरकार से लाभ लेने और उससे संरक्षण प्राप्त करने की एक तरकीब है। एक देश है, गणतंत्र है, समस्याओं को इस देश में झाड़फूंक टोना टोटका से हल किया जाता है। एक बार कचहरी चढ़ जाने के बाद सबसे बड़ा काम है अपने ही वकील से अपनी रक्षा करना। गरीबों के साथ धोखों का आविष्कार करने के मामले में अपना देश बहुत आगे है। जब शर्म की बात गर्व की बात बन जाए, तब समझो कि जनतंत्र बढ़िया चल रहा है। दुनिया में भाषा अभिव्यक्ति के काम आती है, इस देश में दंगे के काम आती है। दूसरों के दुख को मान्यता देना ही सहानुभूति है। अश्लील पुस्तकें कभी नहीं जलाई गईं, वे अब अधिक व्यवस्थित ढंग से पढ़ी जा रही हैं। हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वाले हिंदी बोलने वालों से कहते हैं कि हिंदी में बोलना चाहिए। दिशाहीन, बेकार, हताश, नकारवादी, विध्वंसवादी, बेकार युवकों की यह भीड़ खतरनाक है। इसका प्रयोग महत्वाकांक्षी खतरनाक विचारधारा वाले व्यक्ति और समूह कर सकते हैं। इस भीड़ का उपयोग नेपोलियन, हिटलर और मुसोलिनी ने किया था। दोस्तों, आपको ये महान विचार पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।